हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में। आज हम लोग जानेंगे बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी होता क्या है, उसके एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, टॉप कॉलेज कौन कौन सा मिलता है, जॉब्स एंड करियर स्कोप क्या क्या है, और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि सैलरी कितनी मिलती है, यानी कह सकते हैं कितना पैसा हम लोग इस कोर्स करने के बाद कमाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है, जो लोग चाहते हैं बीटेक डेयरी डेयरी टेक्नोलॉजी करना। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि कोई आपको डाउट रह गया तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। सबसे पहले जानते हैं कि बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी होता क्या है। ठीक है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें, जो कोर्स हमारा है बहुत ही शानदार कोर्स है, जो कि आता है ICAR के अंदर ही आता है। ICAR यानी कह सकते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके अंतर्गत ये कोर्स आता है। कोर्स की अगर बात करें, कोर्स होता है हमारा 4 साल का कोर्स है, जो कि हमारा आता है अंडर ग्रेजुएट, यानी कह सकते हैं ये जो हमारा कोर्स है वो होता है UG कोर्स के अंतर्गत ये आता है, मतलब कह सकते हैं उसके अंडर ये आता है। ठीक, आपको भी पता है जो हमारा ICAR जो हमारा बॉडी है वो 12 कोर्स कराता है। 12 कोर्स में अगर बात करें, 12 कोर्स में बात करें, 12 कोर्स में बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी एक बहुत ही शानदार कोर्स है। ठीक है, अब जानते हैं इस कोर्स में हम पढ़ते क्या हैं, क्या क्या उसमें पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ में जानने का मौका मिलता है। देखिए, इस कोर्स की अगर बात करें, स्टूडेंट्स लर्न अबाउट प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कह सकते हैं कि आपको नाम से लग रहा है कि आपका जो कोर्स है डेयरी टेक्नोलॉजी है, मतलब आप सारा कुछ पढ़ेंगे डेयरी डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कह सकते हैं दूध के जो भी दूध प्रोडक्ट्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स, उसके बारे में आप सब कुछ पढ़ेंगे। उसमें जाने के मिल्क जो प्रोडक्ट है या डेयरी प्रोडक्ट है उसको प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम जानते हैं कि इसमें क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है, उसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन कौन सा कंटेंट प्रेजेंट है, इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है। ठीक है, मार्केटिंग कैसे करना है। ठीक है, तमाम चीज़ें हम सीखते हैं, मतलब कर सकते हैं उसको कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे लॉन्ग टर्म के लेके जाना, कैसे मार्केटिंग करना, कैसे उसको क्वालिटी बढ़ाना, सारा कुछ हम पढ़ते हैं डेयरी प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही शानदार कोर्स है, जो लोग चाहते हैं कि मतलब उनका इंटरेस्ट है एनिमल हस्बेंड्री से इंटरेस्ट है, ठीक है, डेयरी डिपार्टमेंट इंटरेस्ट है, जो चाहते हैं अच्छा से जॉब करना है बीटेक डिपार्टमेंट में, बीटेक एग्रीकल्चर के बाद ये जो हमारा कोर्स है काफ़ी शानदार कोर्स है, इसमें प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ठीक है, ये कोर्स करने के बाद आप खाली नहीं बैठेंगे। यदि आप कोई किसी अच्छे आप यूनिवर्सिटी से करते हैं, जो कि मैं आगे बताने वाला कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से आपको प्लेसमेंट पक्का लगना ही लगना है। ठीक है, तो प्लेसमेंट आप बैठेंगे तो पक्का आपको लगना ही लगना है, उसमें जॉब भी अच्छा खासा मिल जाता है। ये कोर्स करने के बाद कभी आप खाली नहीं बैठेंगे, ठीक है, जब तक अनटिल अनलेस आप कोई कहीं आप ट्राई ही ना करो। ठीक है, और उसके अलावा आप जानते हैं कि इसके लिए हमारा एज कितनी होनी चाहिए, यानी कह सकते हैं हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए। तो हम लोग बातचीत करते हैं हमारा एज का, अगर बात करें तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारा एज हमारा होना चाहिए 17 ईयर्स से लेकर 23 ईयर्स के बीच में आपका होना चाहिए, मैंने कह सकते हैं एक ऑनलाइन एवरेज बात करें तो 17 साल से लेकर आपका एज होना चाहिए 23 साल का आपका उम्र होना चाहिए, यानी कह सकते हैं 23 ईयर्स। उसके अलावा अगर बात करें तो आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किया हो, साथ ही साथ आपका इंग्लिश भी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साथ आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए। यदि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का बात करें, यानी कह सकते हैं PCM का बात करें, तो आपका कम से कम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। 50% से मार्क्स कम रहेगा तो दिक्कत है। ठीक है, तो OBC वालों जनरल OBC के लिए 50% मार्क्स चाहिए और SC और ST के लिए कम से कम 45% मार्क्स चाहिए। ठीक है, कितना मार्क्स चाहिए, 45% फॉर SC एंड ST। ठीक है, SC ST कितना चाहिए मार्क्स चाहिए, 45% मार्क्स इसमें हमारा चाहिए। ठीक है, प्लस इसमें आपका सब्जेक्ट जो हमारा मैंडेटरी है इंग्लिश भी मैंडेटरी है। ठीक है, बट कुछ कॉलेज आजकल मैं देख रहा हूँ, दो साल से देख रहा हूँ कि कुछ कॉलेज जो है जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी किए हैं ना, उसको भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि जो व्यक्ति फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी किया है 12th में, तो अभी इस कोर्स को आराम से कर सकता है। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ मैथ वालों का ही लिया जाता था, बट 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी किए हैं वो भी बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्स आराम से कर सकते हैं, वो भी अच्छे कॉलेज से। ठीक है, अब जानते हैं कि हमारे एग्ज़ाम कैसे होगा, मतलब किस तरह से इस कोर्स में मैं एडमिशन ले सकता हूँ। देखिए, आमतौर पर बात करें तो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको काउंसिलिंग होगा, काउंसिलिंग के बाद आपका बनेगा मेरिट, मेरिट के बाद आपका होगा एडमिशन। बट कुछ कॉलेज की बात करें जो प्राइवेट होती है ना यूनिवर्सिटीज़, जो हर स्टेट में होता है या अलग अलग स्टेट में भी होता है जो प्राइवेट कॉलेज होता है, वो क्या करते हैं जो अभी 12th में जितना आपका मार्क्स रहता है मार्क्स के बेसिस पर आपका एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं एग्ज़ाम का तौर पर बात करूँ, जो हमारा सबसे टॉप एग्ज़ाम आता है जो कि होता है नेशनल लेवल पे, उसको बोलते हैं ICAR CVET। देखिए, CVET इसमें मर्ज कर गया। ठीक है, ICAR का पहले एग्ज़ाम होता था, बट ICAR दो तीन साल से क्या हो गया कि CVET में मर्ज हो गया। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम का नाम हो गया ICAR CVET। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, अच्छा आपका मार्क्स आएगा
तो आप इसको आराम से कोर्स को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारा जो अलग अलग स्टेट अपने एंट्रेंस एग्जाम निकालती रहती है, आप उसको क्वालिफाई करके भी उस स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आमतौर पर देखा जाता है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी स्टेट का फॉर्म बच्चे लोग भरते हैं। जैसे मान लिया बात करते हैं आप बिलोंग करते हैं राजस्थान से, तो राजस्थान वाले से बच्चे वो फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप बिलोंग करते हैं झारखंड से, जो बच्चे झारखंड से बिलोंग करते हैं ऐसे वही फॉर्म भरेंगे झारखंड का, बाकी स्टेट वाले इसमें एलिजिबल नहीं होते। बट कुछ कॉलेज क्या होता है वो ऑल ओवर इंडिया बच्चों का एक्सेप्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ एग्जाम की बात करूँ तो होता है राजस्थान का, जिसको बोलते हैं जेट, राजस्थान जेट बोलते हैं। उसके अलावा KCET है, ठीक है, KEM है जो केरला कर्नाटक का होता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें महाराष्ट्र का है, जिसको बोलते हैं MST CET। उसके अलावा है GBPUET। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा आता है LPU NST, जिसको बोलते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वो भी इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, ठीक है। यदि आपने UG कर लिया उसके बाद आपका करियर स्कोप क्या है, UG करने के बाद आप MTech भी कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं MBA, या फिर आप कर सकते हैं जॉब, ठीक है। आपके पास तीन ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आप किसी MTech कीजिए BTech करने के बाद, या फिर आप कर सकते हैं MBA कर सकते हैं, ठीक है। MBA का आपको तैयारी कीजिए, अच्छा कॉलेज प्राप्त कीजिए, या फिर आप डायरेक्ट आप जॉब कर सकते हैं BTech लेवल पे भी। यदि आप चाहते हैं MTech करना, मान लिया जो बच्चे BTech कर चुके हैं वो चाहते हैं MTech करना डेयरी टेक्नोलॉजी में, तो उनके लिए क्या क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने किया हो BSc डेयरी किया हो, या फिर बात करें BTech डेयरी टेक्नोलॉजी किया हो, या फिर BSc फूड टेक किया हो, या फिर BTech फूड टेक किया हो आपने, फूड टेक्नोलॉजी किया हो BTech में, या फिर BSc में किया हो तो भी आप कर सकते हैं, या फिर आपने किया हो BTech एग्रीकल्चर आपने भी किया हो तो भी MTech कर सकते हो, या फिर आप बात करें तो BTech फूड प्रोसेस जो होता है इंजीनियरिंग कोर्स होता है वो आपने किया हो तो भी आप आराम से इसको कर सकते हैं, या फिर आप मैं बात करूँ BSc किया माइक्रोबियल में, या फिर फूड टेक्नोलॉजी में किया तो भी आप इसको कोर्स आराम से कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं। ये सारा जो हमारा मैं बता रहा हूँ सारा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा है MTech करने का। जो बच्चे चाहते हैं MTech करना डेयरी टेक्नोलॉजी में तो वो ग्रेजुएशन में इस सब्जेक्ट से आप पास आउट होने चाहिए। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं हमारा टॉप कॉलेज कौन कौन सा है जहाँ हम लोग BTech डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। एक कॉलेज में बहुत सारे हैं बट मुझे जो लगा जो आपका बेस्ट आपके लिए कॉलेज रहेगा वो मैं लिख कर लाया हूँ। तो हमारा फर्स्ट नंबर कॉलेज हमारा आता है, ठीक है, जो आता है कौन सा हमारा है शेर कश्मीर, जो हमारा कॉलेज है जम्मू कश्मीर में, इसको बोलते हैं SKUST जो बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं SKUST जो शेर कश्मीर जो हमारा यूनिवर्सिटी है कहाँ पड़ता है जम्मू कश्मीर में, काफ़ी टॉप कॉलेज में आता है, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो कामधेनु यूनिवर्सिटी जो हमारा कहाँ पर है गुजरात में, ठीक है, आप वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। हमारा मोस्ट कॉलेज जो बहुत ही फेमस कॉलेज है हमारा है ICAR NDRI, ठीक है, इसको बोलते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पड़ता है करनाल हरियाणा में। बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, बहुत ही बेस्ट कॉलेज मैं कह सकता हूँ जो BTech डेयरी टेक्नोलॉजी करने के लिए, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज हमें आता है। कौन सा कॉलेज? ICAR NDRI करनाल, ठीक है। इसका मैं बात करूँ अभी रैंकिंग का, इसका भी NIRF जो रैंकिंग है NIRF जो रैंकिंग हमारा है वो सेकंड नंबर पर भी आ रहा है। बहुत ही बेस्ट कॉलेज है, ये डीम यूनिवर्सिटी में आता है, ठीक है, बेस्ट कॉलेज में आता है NDRI करनाल, ठीक है। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट कॉलेज आता है कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पड़ता है इटावा में, ठीक है, तो इसको भी आप लोग आराम से इस कॉलेज में भी आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज हमारा आता है जो चंद्रशेखर जो हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एग्रीकल्चर कॉलेज है चंद्रशेखर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हमारा कॉलेज कहाँ पड़ता है कानपुर में, उस कॉलेज से भी आप लोग आराम से कर सकते हो। उसके अलावा मैं बात करूँ तो आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कहाँ पड़ता है हमारा पड़ता है गुजरात में, तो गुजरात वाला भी कॉलेज आप लोग इसमें ट्राई कर सकते हो आनंद में, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ स्वार्ट्स जो कहाँ पड़ता है प्रयागराज में, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं नैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, या फिर कह सकते हैं नैनी एग्रीकल्चर कॉलेज से भी जानते हैं जो कि नैनी में पढ़ता है, ठीक है, इसको नैनी पढ़ता है इसलिए इसको लोकेशन हिसाब से इसको नैनी एग्रीकल्चर कॉलेज भी बोलते हैं। बहुत ही पुराना कॉलेज है, 1910 में 1920 में ऐसी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है ये कॉलेज। में बात करूँ स्वार्ट्स जो हमारा है जो पढ़ता है प्रयागराज में, जो कि पहले पढ़ता था इलाहाबाद, उसका नाम अब चेंज हो गया प्रयागराज में, ये बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, लेकिन ये कॉलेज हमारा है डीम यूनिवर्सिटी है, थोड़ा सा फीस ज़्यादा है, प्लेसमेंट अच्छी खासी यहाँ हो जाती है, ठीक है, पढ़ाई भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज में बात करूँ जो हमारा कॉलेज आता है अपेक्स यूनिवर्सिटी जो कहाँ पड़ता है जयपुर में, ठीक है, अपेक्स यूनिवर्सिटी जो कि हमारा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आता है। नेक्स्ट में कॉलेज आता है BHU, इसको बोलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो इंडिया के बहुत ही टॉप कॉलेज में आता है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो यहाँ बहुत सारे कोर्सेज चलती रहती है, बट कुछ साल पहले ही इस कॉलेज में BTech डेयरी टेक्नोलॉजी
इंक्लूड किया गया है। आप इस कॉलेज से भी आराम से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में जो कॉलेज आता है TNAU, इसको बोलते हैं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि कहाँ पढ़ता है, हमारा पढ़ता है चेन्नई में। आप इस कॉलेज से भी आराम से आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज आता है MPUAT, जो कि कहाँ पढ़ता है, उदयपुर पढ़ता है। उदयपुर कहाँ पढ़ता है, तो पढ़ता है हमारा राजस्थान में। तो आप उस कॉलेज से भी आप लोग आराम से कर सकते हो MPUAT, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज आता है BCKB, जो कि कहाँ पढ़ता है, हमारा वेस्ट बंगाल में पढ़ता है। अब इस कॉलेज से भी आराम से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया, मान लीजिए कुछ कॉलेज हो गया जहाँ से आप लोग कॉलेज का पढ़ाई में कर सकते हो। बीटेक डिग्री टेक्नोलॉजी आप लोग कर सकते हो। अब जानते हैं कि हमारा वर्किंग एरिया कहाँ पर, किस किस सेक्टर में काम करने का मुझे मौका मिलेगा कोर्स करने के बाद, यानी कर सकते हैं जॉब हमारा वर्किंग एरिया कहाँ पर है, सेक्टर कौन कौन सा है, ठीक है। तो आमतौर पर कोर्स करने के बाद आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आप काम करेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में आप काम करोगे, या फिर आप काम करोगे डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, जो बहुत सारा कॉलेज होता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ होता है, या बहुत सारा इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है, प्राइवेट भी होता है, गवर्नमेंट भी होता है। आप लोग वहाँ भी ट्राई कर सकते हो, ऑफ कैंपस पर जाकर ट्राई कर सकते हो, या ऑन कैंपस जाकर ट्राई कर सकते हो, या फिर किसी के रेफरेंसेस पर जाकर आप लोग बात करके आप लोग ट्राई कर सकते हो, आपको प्लेसमेंट होने की संभावना रहता है। बहुत सारा डेयरी मिल्क प्लांट्स होता है, बहुत सारा दूध का फैक्ट्री होता है, अलग अलग प्लांट्स होता है, प्राइवेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग जाकर ट्राई कर सकते हो, उनसे बात करके अब बताओ कि मैंने ये कोर्स किया है, मेरा ये स्पेशलाइजेशन है, मेरे को इसमें मास्टरी हासिल है, आप मेरे को काम दे दीजिए तो वहाँ काम मिल जाएगा। या फिर मैं बात करूँ तो फूड प्रोसेसिंग जो बहुत सारे होता है ना यूनिट, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा आती है, आप पता करके देखिए, आपको वहाँ भी आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ, बहुत सारा वेटनरी हॉस्पिटल होता है जहाँ पे आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है। हॉस्पिटल में भी बहुत सारा वेटनरी हॉस्पिटल होता है जहाँ पे जानवरों के लिए बहुत सारा सुविधाएँ होती हैं, ठीक है। तो आप लोग वेटनरी हॉस्पिटल में भी आप लोग आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि हमारा टॉप रिक्रूटमेंट कंपनी कौन कौन सी है, मतलब कौन कौन सी कंपनी हमें रिक्रूटमेंट करेगी, यानी कौन कौन सी कंपनी मुझे हायर करेगी, ठीक है। तो उसमें बात करें, कुछ हमारे कंपनीज कौन कौन सी आती है, जो टॉप कंपनीज कौन कौन सी आती है, जो कि हमारे MNC में आती है, वो हमारा है अमूल, ठीक है। अमूल में आप लोग प्लेसमेंट आप लोग को हो सकता है, नेस्ले में आप लोग हो सकता है, नेस्ले, ठीक है। या फिर मैं बात करूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर में, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ रिलायंस, जो हमारा कंपनी है रिलायंस, उसमें आप लोग जा सकती हो। या फिर मैं बात करूँ ब्रिटानिया कंपनी, उसमें आप लोग जा सकते हो। या फिर मैं बात करूँ बहुत सारा दूध का अलग अलग कंपनी होता है, जैसे मैं बात करूँ वसुधरा, ठीक है, वसुधरा डेयरी में जा सकते हो। या फिर मैं बात करूँ जो आइसक्रीम का जो हमारा कंपनी है वाडीलाल ग्रुप, आप लोग बहुत ही फेमस चीज़ है, बहुत ही फेमस कंपनी, इसका आप लोग प्रोडक्ट आप लोग कंज्यूम भी किए होगे, आप लोग खाए भी होगे, इसका दही आता है, आइसक्रीम आता है, दूध आता है, बहुत सारा प्रोडक्ट इसका आते रहता है, आप लोग इसका कहीं ना कहीं प्रोडक्ट इसका आप लोग टेस्ट जरूर किए होगे, उस कंपनी में आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इतनी सारी कंपनियाँ हैं, आपको प्राइवेट ही कंपनियां आपको खुद ही अप्रोच करना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनियां क्या होती है, कॉलेज में आती हैं, आपको प्लेसमेंट ड्राइव होता है, आपको प्लेसमेंट में बैठना पड़ेगा तो आपको कंपनी हायर कर लेगी। या फिर कहीं क्या होता है कि आपको जिस कंपनी आपको काम करने का मौका नहीं मिला, तो आप खुद से उस कंपनी में ट्राई करके खुद से अपना रिज्यूम बना के खुद से सेंड करके भी उस कंपनी में आप लोग आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। जॉब का बात करें, देखिए जॉब में अगर बात करें, जॉब आप दोनों सेक्टर में कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर सकते हैं, या फिर खुद का चाहे तो लोग खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको जो बाकी लोग कर रहे हैं आप वही काम करो, आप खुद का अपना अलग काम भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। आज के दुनिया में तो कुछ भी आप लोग कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर सकते हो, या फिर खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करके भी आप लोग काम कर सकते हो। टोटली डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे और किस सेक्टर में अपना चाहते हैं बेटरमेंट करना, किस सेक्टर में चाहते हैं कि बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, वो सेक्टर आपके डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑन एवरेज में बात करूँ, सबसे पहले जानते हैं प्राइवेट जॉब, ठीक है। प्राइवेट जॉब में कौन कौन सा पोस्ट या फिर जॉब रोल पर आप लोग काम कर सकते हो, तो जॉब रोल की बात करें तो आप लोग डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट के पोस्ट रोल पर काम कर सकते हो, डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हो। या फिर मैं बात करूँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट के जॉब रोल पर काम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ डेयरी प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बात करूँ डेयरी साइंटिस्ट बनकर काम कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीटेक एमटेक प्लस पीएचडी करने के बाद ही आपको साइंटिस्ट का एग्ज़ाम होता है, आप लोग आराम से कर सकते हो। अभी तो कुछ 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, आप मास्टर्स करने के बाद भी एग्ज़ाम दे सकते हो साइंटिस्ट का, वहाँ से भी आप लोग साइंटिस्ट बन सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ, यदि आप न्यूट्रिशन का कभी आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है न्यूट्रिशन के बारे में, तो आप डेयरी न्यूट्रिशनिस्ट भी बन सकते हो। कौन सा प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, किस में कितना न्यूट्रिशन है,
क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, कितना खाना सही रहेगा, तमाम चीज़ें पैरामीटर्स, जो भी पैरामीटर्स होता है, आप किसी को बता के भी पैसा कमा सकते हो। इसके लिए क्या चाहिए आपको, बस इस आपके अपने आपको जो कोर्स किया हो उस फील्ड में आपको मास्टरी हासिल करना पड़ेगा, मतलब आपके पास नॉलेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। या फिर मैं बात करूँ, आप बन सकते हो प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज में ही बन सकते हो, प्राइवेट कॉलेज में ही बन सकते हो, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, आपको पता है एग्ज़ाम देना पड़ता है, मास्टर्स करने के बाद आप एग्ज़ाम देकर आराम से असिस्टेंट प्रोफेसर आप लोग बन सकते हो। या फिर अपना खुद का छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस सबसे अच्छा होता है, उसके लिए थोड़ा सा चाहिए फंड, फंड आप लोग बैंक से लोन ले सकते हो, या फिर नाबार्ड द्वारा भी आप लोग को मिलता है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग लोन लेके कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। गवर्नमेंट जॉब का बात करने बहुत सारा एग्ज़ाम निकलते रहता है, आप वहाँ भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जहाँ बी एस सी एग्रीकल्चर, बी एस सी हॉर्टिकल्चर के अलावा बी टेक डेट टेक्नोलॉजी भी मानता है, ठीक है। तो बी टेक डेट टेक्नोलॉजी जो भी लोग किए हैं वो लोग इसको कर सकते हैं। जैसे मैं पोस्ट का बात करूँ तो हमारा जब पहला एग्ज़ाम निकलता है FSSI द्वारा निकलता है, FSSI द्वारा बहुत सारा पोस्ट निकलता है, CFSO का पोस्ट निकलता है, FSO का पोस्ट निकलता है, तीन चार पोस्ट निकलता है जिसमें आप लोग अपना लक ट्राई कर सकते हो FSSI में, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो नाबार्ड में बहुत सारा पोस्ट निकलते रहता है, आप वहाँ ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो IBPS का एग्ज़ाम होता है, AFO का, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का, आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा मैं बात करूँ तो होता है नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है FCI, इसको बोलते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका पोस्ट बहुत ही जल्द निकलने वाला है, ठीक है। आप उसमें भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बस आपको करना क्या पड़ेगा, आपको तैयारी काफ़ी अच्छी खासी करनी पड़ेगी। आपको यदि आप चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज पाना तो कॉलेज टाइम में ही आपको GK, GS, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश जो जितनी सारे सब्जेक्ट होती है ना आपको कमांड करनी पड़ेगी, उस पर नॉलेज अच्छा खासा रखना पड़ेगा, प्लस प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी आप गवर्नमेंट जॉब तुरंत ही क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप कॉलेज पास आउट किए, फॉर्म भरें, एग्ज़ाम क्रैक किए, जब आपका तैयारी अच्छा रहेगा तभी आप ये गवर्नमेंट जॉब निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ पैसा कितना कमा पाएंगे हम, इस कोर्स करने के बाद हम लोग पैसा कितना कमा पाएंगे, ठीक है। पैसा का अगर बात करूँ तो देखिए, इस कोर्स करने के बाद पैसा तो आपको अच्छा खासा कमा ही लेंगे, क्योंकि कोर्स करने के बाद आप खाली नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज में बात करूँ, यदि आप फ्रेशर हैं, ठीक है, तो फ्रेशर व्यक्ति, आपको पता है जो लोग व्यक्ति होता है फ्रेशर, कंपनी उसको कम देता है, क्योंकि उसको पता है कि इसको कम पैसा दूंगा तो काम मेरे लिए ज़्यादा करेगा, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है तो एक्सपीरियंस के बिना पैसा थोड़ा सा कम मिलता है। तो कंपनी टू कंपनी निर्भर करेगा, प्लस आपका इंटरव्यू कैसा है उस पर निर्भर करेगा, प्लस आपके पास कितना नॉलेज है, क्या स्किल्स है, उस पर भी डिपेंड करता है जॉब में। तो उन्होंने एवरेज में बात करूँ 15,000 से लेके आप 35,000 पर मंथ आराम से कमा सकते हो, टोटली डिपेंड आपके करता है स्किल्स पे, और कौन सा कंपनी में, कौन सा पोस्ट पर आप जा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। यहीं आपको वहीं अगर बात करें तो आपको जब हो जाता है एक्सपीरियंस होने के बाद आपको पैसा मिलता है 40,000 से लेके 2,00,000 पर मंथ आप आराम से कमा सकते हो, यानी कह सकते हैं 40,000 से लेकर 2,00,000 पर मंथ आप कमा सकते हो, या फिर कह सकते हो उससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। टोटली डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, किस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, किस आप जॉब रोल पर आप जा रहे हो, उस पर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। टोटली आराम से पैसा अच्छा खासा छाप सकते हो। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि ये तो पैसा है ही साथ साथ, अब गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में भी बात करें तो गवर्नमेंट जॉब के सैलरी होता है ना 40,000 से लेकर 2,00,000 तक पर मंथ आराम से जा सकते हैं। ये अलग अलग जॉब रोल पर डिपेंड करता है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप लोग गवर्नमेंट जॉब भी ट्राई कर सकते हो, प्राइवेट जॉब भी ट्राई कर सकते हो, टोटली डिपेंड आप पे करता है। या फिर मैं बात करूँ तो आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करके आराम से कर सकते हो, नो डाउट सब में अच्छा इनकम है, डिपेंड आप पे करता है कौन सा काम आप लोग करना चाहते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, यदि आपके पास कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं भी देख रहा हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। यदि आपके पास कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम जो ID आ रहा है वहाँ मैसेज कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।